दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ जिससे एज अ स्टूडेंट, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। देखिए, मुझे जो मेरा जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जैसे मेरा डिप्लोमा जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खामगांव से हुआ है, और जो मेरी डिग्री है वो प्रोफेसर राम मेघे अमरावती इस इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई है। तो क्या हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट किया या फिर डिप्लोमा भी जब मैं पास आउट हुआ, तो उसके 3-4 साल बाद यानी अभी मुझे एक्सपर्ट लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया। अब आप सभी को पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन है, तो उस कारण हम कहीं पर जाना अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये तो हुए मेरे कॉलेज, ठीक है, जो कि होता ही है, अगर आप जिस कॉलेज से पास आउट होते हैं वहाँ पर आपको इनवाइट किया जाता है, विच इज़ दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी मुझे ऐसे भी ईमेल आए अदर कॉलेज के कि सर आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के या फिर थर्ड ईयर के, उन स्टूडेंट को भी थोड़ा गाइड कीजिए। तो इस तरह से मुझे ईमेल आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब ये जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये ज़रूरी बन चुकी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फ्री एक्सपर्ट लेक्चर फॉर स्टूडेंट, ठीक है, इसमें ये बात 100% है कि सभी जितने भी लेक्चर्स रहेंगे या फिर जो मेरे वीडियोज़ रहेंगे वो 100% फ्री रहेंगे। इसमें किसी भी तरह के आपसे मैं फ़ीस नहीं लूँगा, ठीक है, ये एक बात रही। लेकिन अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है एक्सपर्ट लेक्चर, ठीक है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर लोगों के हिसाब से एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, या फिर हर व्यक्ति के हिसाब से मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से या फिर मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको या फिर आपके स्टूडेंट को हेल्प हो सकती है, तो उस केस में आप मुझे इनवाइट कर सकते हो फॉर एक्सपर्ट लेक्चर, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह की फ़ीस आपसे चार्ज नहीं करूँगा, ठीक है। अब इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहली बात ये, जो कि अब हमने एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये इस तरह से मैं वीडियोज़ या फिर एक एक्सपर्ट लेक्चर स्टूडेंट के लिए लाना चाहता हूँ, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो पार्ट है वो ये रहेगा कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं, मतलब आप लोग मुझे किस तरह से इन्वाइट कर सकते हो, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और लास्ट में ये रहेगा कि जो गूगल मीट है या फिर वेबिनार के ऑप्शन है, जूम है, कई ऐप है, तो उस पर मैं आप लोगों को एक्सपर्ट लेक्चर क्यों नहीं देना चाहता या फिर मैं वहाँ पर अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली स्टेप है वो ये है कि आपको हमारे वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर जाना है, जो है www.surajlaghe.com। आपके स्क्रीन पर ये वेबसाइट दिख रही है। उसके बाद आप जब ये ओपन करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक मेन्यू मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड ऐप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, FAQ, ये सब चीज़ें दी हुई। उसमें से आपको कॉन्टैक्ट अस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट इंजीनियर सूरज लाघे, यहाँ पर जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेमिनार या फिर जो हम कह सकते हैं एक्सपर्ट लेक्चर के लिए मुझे अगर इनवाइट करना है, तो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इनवाइट मी फॉर एक्सपर्ट लेक्चर क्लिक हेयर, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिख कर आएगा आस्क इंजीनियर सूरज लाघे, और कई नोट्स है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि यहाँ पर अगर आपको एंट्री करनी है या फिर उस एक्सपर्ट लेक्चर के लिए मुझे इनवाइट करना है तो कौन कौन से रूल होंगे। आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद एक फॉर्म आएगा वो आपको फिल करना है, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैं कुछ रूल्स जो है वो आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझे इन्वाइट करना चाहते हो तो यहाँ पर मेन जो कंडीशन है वो यही रहेंगी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर डिप्लोमा कॉलेज से बिलोंग करते हो, आप प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो या फिर स्टूडेंट हो, उसी केस में आप मुझे इनवाइट कीजिए, ठीक है। मैं अदर ब्रांच के लिए या फिर किसी अदर कॉलेज के लिए एज अ लेक्चर एक्सपर्ट लेक्चर नहीं दे सकता। उसका रीज़न यह है कि मेरी जो पढ़ाई है या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री कॉलेज से बिलोंग करते हो सिविल इंजीनियरिंग, तो उस केस में ही आप यहाँ पर ये एंट्री कीजिए। उसके बाद है कि जो मिनिमम क्वेश्चन है, आपको कम से कम कितने क्वेश्चन यहाँ पर होने चाहिए। देखिए, अगर आपका एक क्लास है या फिर एक बैच है, तो उसमें से कम 5 सवाल अगर होंगे तो ही इस तरह से एक्सपर्ट लेक्चर करने का कुछ फ़ायदा है। अदरवाइज़ हमारे नॉर्मल वीडियोस में भी हम क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे, तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वेश्चन है वो कम से कम 5 क्वेश्चन आपके तरफ से आने चाहिए। अब जो लिमिटेशन है, मतलब आप मैक्सिमम कितना क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हो या फिर मुझे सेंड कर सकते हो, देखिए लिमिटेशन किसी, मतलब यहाँ पर आपको लिमिटेशन नहीं है। आप अगर चाहे 20, 30, 40, 50, 100, 1000 जितने भी क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के हैं वो आप सेंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन है, जो आपके स्टूडेंट रहेंगे, इवन आपके भी अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है,
अवॉइड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज से हो और अगर आप मुझे एक्सपर्ट लेक्चर में ये पूछोगे कि सर SFD BMD ये क्या होता है, तो देखिए मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि आप मुझे सवाल वो पूछिए जो आपको किताबों में नहीं मिल रहा है, जिसका आंसर आपको किताब में नहीं मिल रहा, या फिर आपके लेक्चरर प्रोफेसर या फिर आपके जितने भी करीबी लोग हैं उन लोगों से उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा। आप ये मत पूछिए जो आपके ऑलरेडी किताबों में है, ठीक है। तो किताबों के सवाल आप खुद भी ढूंढ सकते हो या फिर आपके लेक्चरर भी आपको दे सकते हैं। आपको मुझे जो सवाल पूछने हैं वो इस तरह से होने चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, ठीक है, या फिर डिप्लोमा के कॉलेज में हो और आपके मन में ये आ रहा है कि क्या हमारे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को कोई स्कोप है या नहीं, हमारे ब्रांच का मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे फ्यूचर है या नहीं। अब ये जो सवाल है ये इसके आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे या फिर इंटरनेट पर इजीली नहीं मिलेंगे। ये आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन, मैं या फिर जो कोई और इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर उसके सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुका है अब वो कुछ काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो वही लोग आपको इसका आंसर दे सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल जो सवाल रहेंगे वो आप मुझे पूछ सकते हैं पर्सनल, या फिर मैं कहूँगा कि जो टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन है वो मत पूछिए, ठीक है। रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, बस वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर आप लेक्चरर हो, ठीक है, अब उस केस में क्या होता है कि हमने एक्सपर्ट लेक्चर तो अरेंज कर दिया है लेकिन हमें सबमिट भी करना होता है रिपोर्ट कि हमारे इतने इतने स्टूडेंट को XYZ एक्सपर्ट ने यहाँ पर गाइड किया, तो ये एक प्रेजेंटेशन भी आपको बनाना होता है। तो उस केस में अगर आपके कॉलेज का आपको कोई एक प्रोफाइल या फिर PPT अगर सेंड करना है कि जो कि आप चाहते हो कि हमारे वीडियो में स्टार्टिंग में आ जाए, जिस पर ये सब लिखा हो कि किसने कंडक्ट किया, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो वो आप मुझे जो मेरा ईमेल है suraj.lage@gmail.com यहाँ पर सेंड कर सकते हो, वो मैं अपने वीडियो में अटैच कर दूंगा एट द फ्रंट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट रूल है या फिर नोट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, वो यही कि इस एक्सपर्ट लेक्चर के लिए या फिर इस लेक्चर वीडियोस के लिए मैं किसी भी तरह के चार्जेस अप्लाई नहीं करूँगा, ये 100% फ्री रहेगा। तो मेरे नाम पर अगर कोई आपसे कह रहा है कि सूरज लागे की एक्सपर्ट लेक्चर आपको XYZ अमाउंट देनी है, तो वो फ्रॉड रहेगा। मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह के चार्जेस यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब ये सब आपने पढ़ लिया, ये सब बातों से आप एग्री करते हो, तो उसके बाद आप बुक नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। बस अब ये लास्ट फॉर्म है जो कि आपको भरना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है वो है ईमेल, बेसिकली आपका ईमेल रहेगा जहाँ से आप ये फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। बाद में नेम ऑफ प्रोफेसर और टीम लीडर, अब देखिए अगर आप प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो और आपके स्टूडेंट 20-30 स्टूडेंट के लिए अरेंज कर रहे हो इस तरह से लेक्चर, तो उस केस में आपका नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपके टीचर या फिर आपके लेक्चरर ऐसा कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ऐसे कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो एज अ स्टूडेंट आप ही करना चाहते हो तो आप भी एक टीम लीडर की तरह ये सब मुझे भेज सकते हो, बस उसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन होने चाहिए। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो आप देखिए यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सीक्वेंस वाइज मतलब 1, 2, 3 इस तरह से नंबर डाल के आपको सभी सेंड करने हैं, और अगर आपको लगता है तो आपके नाम भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि श्याम नाम का कोई स्टूडेंट है और श्याम नाम के स्टूडेंट ने एक XYZ क्वेश्चन पूछा है, तो वो चाहता है कि उस वीडियो में उसका नाम भी आए कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो अपने नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं थी डिग्री करने की या फिर इंजीनियरिंग पढ़ने की, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है या फिर कोई स्कोप है या नहीं, इस तरह का अगर आप क्वेश्चन पूछोगे और आपको लगता है कि मुझे मेरा नाम ऐड नहीं करना चाहिए, तो आपके स्टूडेंट ने नाम ऐड नहीं किया तो भी चलेगा। सो बेसिकली लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग पैराग्राफ है, तो आप इसमें मैक्सिमम जितना भी चाहे उतने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, बस बात यही रहेगी कि क्वेश्चन थोड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फाइनली आपको सबमिट जो ऑप्शन है ये सब डेटा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें ही ऐड करने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने राइटिंग में लिखकर अगर वो फाइल अपलोड करके suraj.lage@gmail.com पर सेंड की, तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसका प्रॉब्लम ये है कि हैंडराइटिंग का इशू हो सकता है कि अगर डिफरेंट हैंडराइटिंग रही या फिर आपकी हैंडराइटिंग मुझे समझ नहीं आई तो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको बस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहीं पर वो क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे।
चलिए, अब ये तो कंप्लीट प्रोसीजर हो गई कि किस तरह से आप मुझे इनवाइट कर सकते हो या फिर आपके क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब आपके क्वेश्चन मुझे आ जाएंगे, उसके कुछ दिनों बाद जितना भी मुझे टाइम लगता है वो टाइम लेकर आपका जो पूरी जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर दूंगा और एक वीडियो में अपने चैनल पर पब्लिश कर दूंगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ या फिर आप भी अगर चाहे तो मुझे गूगल मीट या फिर जूम ऐप इन पर भी एक सेमिनार या फिर वेबिनार के लिए आप मुझे इनवाइट कर सकते हो, लेकिन इसमें और उन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखिए, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जो वीडियोस पब्लिश होंगे वो आप एक बार या कितने भी बार देख सकते हो, ठीक है। अब जो गूगल मीट होता है या फिर अदर होते हैं उसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, हालांकि उसमें भी ये चीज़ होती है, लेकिन मेरे तरफ से वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अभी की डेट में इतना हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं ऐसा कुछ अरेंज करता हूँ, मान लीजिए मुझे अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खामगांव से भी 2-3 बार इनविटेशन मिला है कि सर आप प्लीज़ एक्सपर्ट लेक्चर के लिए अपना टाइम निकालिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं टाइम निकालूंगा, मेरी इच्छा भी है इस तरह से आपको हेल्प करने की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा इंटरनेट ठीक ना होने के कारण जो एक्सपर्ट लेक्चर है उसमें से आपके स्टूडेंट का और मेरा भी इंटरेस्ट चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर मैं समय निकाल रहा हूँ और आपके स्टूडेंट भी अगर मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं अपना 100% दे सकूँ और वो स्टूडेंट भी 100% एब्जॉर्ब कर सके ताकि उन्हें फ़ायदा हो। सो दैट्स व्हाई मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि नेटवर्क इशू के कारण मैं गूगल मीट या फिर जूम ऐप का यूज़ नहीं करना चाहता। यहाँ पर जो आपका YouTube का वीडियो रहेगा, जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं उस पर मेरे जितने भी आंसर रहेंगे वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेंगे। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ या फिर जो अदर स्टूडेंट होंगे उन लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। सो ये बेटर ऑप्शन है एक्सपर्ट लेक्चर के लिए एज़ कम्पेयर टू वेबिनार और सेमिनार, बिकॉज आप लोगों ने और मैंने भी कई वेबिनार अटेंड किए हैं और जब वहाँ पर नेटवर्क इशू होता है तो पूरे वेबिनार का जो भी फोकस होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता था। सो दैट्स वाज मैंने ये चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों की तरफ से किस तरह से रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, हाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग सच में इंटरेस्टेड है, जिन लोगों को सच में मुझसे इस प्रकार की मदद चाहिए, सिर्फ वही लोग उस फॉर्म को भरें, अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी। थैंक यू सो मच। आपको किसी भी तरह की अगर तकलीफ हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।